सबसे बढ़िया सॉल्यूशन बताओ हिंदुस्तानी के तौर पर, सबसे पहले इन सालों के हरामी इन्फॉर्मर्स को उठाओ, इनको कांड पे गोली मारो, सालों को इकट्ठा करो। अबे एक रावण जलाने से इस देश में कुछ नहीं होगा, इकट्ठा करो सालों को, सबको खड़ा करके इनकी कांड पे गोली पब्लिक में मारो सालों की। लोग कहते ना अबे मैंने बहुत कंट्रोल किया इसने मैम, बहुत कंट्रोल करके, लेकिन सच्चाई है दोस्त, बहुत हमने देखा हिंदुस्तान में ना बहुत बड़े बड़े डॉन बनते हैं, नए नए लौंडे, नॉर्थ में गोलियां चलाएंगे हवा में। अबे तुमको डॉन बनना है ना, अबे हम तो बोलते तुम इनमें से किसी को मारो ना, मैं लड़वा लूंगा तेरा केस। ऐसे किसी को ठोको साले हरामियों को जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये साले ना कभी हिंदुस्तान के सगे थे जो इस टाइप का हमला करवाने में मदद करते, और ना ये कभी हिंदुस्तान के सगे होंगे। इस चीज का साला कोई सोल्यूशन नहीं है। इन्फॉर्मर्स को उठाओ, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, जहां ये हमला हुआ है ना उसी जगह खड़ा करके इनको वही अनंतपुर चीथड़े इतने तरह से क्या दोगे उनके घर वालों को? उनके घर वालों को मिलेगा क्या ये सोचा है? सबसे बड़ी इसका जिम्मेदार मैं बोलता हूं बॉस आप, बहुत अबे पॉलिटिकल पार्टीज वाले गलत कंसर्न है, इस पे भी राजनीति मत करना, अबे इस पे भी राजनीति मत करना, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। एक इससे बड़ा कंसर्न ये है, डिबेट चालू हो जाएंगे उस पे मार साले सब आके ना। मैं इसलिए बोल रहा हूं सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन क्या है आप? और सबसे बड़ी चीज अभी एक बात बताओ, मरने वाले कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते थे, बीजेपी को करते थे, समाजवादी को करते थे, आम आदमी पार्टी को करते थे, किसको करते थे? उनने कौन सा गलत काम किया? उनकी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है भारत की सुरक्षा करने की, वो निभा रहे हैं। बताओ तीन दिन से रास्ते बर्फ थी, वहां से हिल नहीं पा रहा था आदमी। सबसे बड़ा ये सवाल है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? जिन माओ ने जिन एक नियम बना दो ना, एक शहीद हो तो जो उस विभाग का इंचार्ज था उसका लौंडा भेजो आप फौज में, तब समझ में आएगा आपको। जिसके घर में शहादत होती है ना साहब, जब लहू आता है हाथ में, वो आप नहीं समझ पाएंगे। लोग कहते हैं आप गुस्सा करते हो, अरे मैं तो अभी इनकी मई भरा हूं, मैं जुबान नहीं दी होती ना तो मैं तो मुंह से ही काफी था बे। और दूसरी बात, भगवती की सौगंध भोलेनाथ की आज जिनने करवाया अगर मेरे सामने, और मैं कहीं अगर ऊपर वाले ने चाहा मैं इसके लिए कानून भी हाथ में लेने तैयार हूं, अगर जिनने करवाया मुझे अगर पता चले अगर मेरी इतनी कुबत हुई ना, अगर मैं बोलो बीच में हाथ डाल दूं चीरने की औकात रखता हूं बे, और जेल के लिए भी इतना तैयार हूं अगर मैं एक आतंकवादी को मार के जाऊंगा, मेरे मुझे लगता है मेरी माँ को उससे बड़ा कोई अभिमान नहीं होगा। लेकिन दोस्त अभी मैं उस स्थिति में नहीं हूं, मैं कहां हूं पता नहीं, बहुत सारी चीजें। मेरा मैटर क्या है, व्हाट इज द ब्लडी सॉल्यूशन ऑफ दिस?